गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं देन वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट अ DIY फेस क्लेंजर। मैं अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं अपना स्किन डेली कम से कम दो बार ज़रूर क्लेंज करती हूँ। और सारे क्लेंजर्स मेरे स्किन को सूट नहीं करते। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन है, लाइक मेरा टी जोन्स ऑयली है बट वैसे मेरा फेस ड्राई है और मेरी बाकी की पूरी बॉडी बिल्कुल ड्राई है। मुझे सारे क्लेंजर्स सूट नहीं करते, स्पेशली मेरे फेस, स्पेशली मेरे लिप्स पे। एज यू गाइस नो मेरे लिप्स एक अजीब ही दुनिया के लिप्स हैं और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। मैं इन पर हर कोई लिपस्टिक नहीं लगा सकती, मैं हर कोई लिप बाम नहीं यूज़ कर सकती और इसी तरह मैं हर कोई क्लेंजर नहीं यूज़ कर सकती अपने लिप्स के लिए। ये क्लेंजर मैंने अपने आप बनाया है, यू नो, हिट एंड ट्रायल मेथड करते करते ये क्लेंजर बनाया गया है। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू नो कि मैंने क्लेंजर कैसे बनाया है, देन लेट्स कीप ऑन वॉचिंग एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल डाउन बिलो एंड गिव दिस वीडियो थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और जो सब्सक्राइब के साथ में रिंग बेल बनी हुई है आप उसको क्लिक करके वो भी दबा सकते हो, उससे जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और मेरे लिए वो हेल्पफुल रहता है। सो प्लीज़ इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल डाउन बिलो। That would mean a lot to me. Okay, so without further ado, let's start with the video. ये cleanser बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए। One is coconut oil, another one is castor oil, and the third one is your daily face wash. जो भी आपको suit करता है वो face wash. तो let me just show you how I make this cleanser. जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हमें बस तीन प्रोडक्ट्स चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ कोकोनट ऑयल, सेकेंड वन इज़ अ फेस वॉश। आई एम यूजिंग डीप क्लीन न्यूट्रोजेना, यू कैन यूज़ एनी वन विच सूट्स यू। एंड द थर्ड वन इज़ कैस्टर ऑयल। मेरी कैस्टर ऑयल की बॉटल बहुत बड़ी है तो मैंने इसे छोटी में डाल रखा है, प्लीज़ इग्नोर दैट। सो वी विल बी स्टार्टिंग इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। लाइक सब कोकोनट ऑयल मैं यहाँ पे 8 टीस्पून ले रही हूँ। And after that, I'll take my face wash in the ratio of 2, like इसमें 4 spoons डाल रही हूँ। And lastly, I'm taking castor oil in the ratio of 2. So this is the ratio, like 4:2:1. सबसे 4 is coconut oil, 2 is face wash and 1 is castor oil. Oils, they help in breaking down your makeup. जो भी waterproof makeup है उनको break करने के लिए oil is kind of like the best. और coconut oil वैसे भी हमारी skin के लिए बहुत healthy रहता है। सो विल बी जस्ट स्टरिंग इट, इसको बस मिक्स करना है जब तक ये ऑफ वाइट मिल्की टाइप ना हो जाए। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टोर इट इन वट एवर कंटेनर दैट यू लाइक। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरा फुल फेस मेकअप का है और मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगा रखी है। दिस वन इज़ बाई ओफ्रा सेंटा एना एंड आई लव दिस वन। दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक और इसको हटाना इतना आसान नहीं है। और मैं डायरेक्ट वाइट क्लॉथ से ये नहीं हटाती, लाइक मेरे को वो भी सूट नहीं करता माई लाइफ। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहले मैं अपना ये क्लेंजर यूज़ करूँगी और उसके बाद आई वॉश माई फेस विद फेस वॉश दैट आई यूज़ एस्टेल ऑर्डर समथिंग आई शो यू इन अ मिनट। सो मैंने अपना क्लेंजर इसमें इस बॉटल में डाल के रखा हुआ है और पहले मैं इसको शेक करती हूँ बिकॉज इसमें ऑयल है तो वो कई बार सेपरेट हो जाता है सोप से। सो आई लाइक टू गिव इट अ नाइस शेक बिफोर आई यूज़ इट। आफ्टर दैट आई ओपन द कंटेनर एंड पुट सम ऑफ इट ऑन माय पाम, दिस मच क्वांटिटी। फिर मैं अपने लिप्स से शुरू करूँगी। नेक्स्ट आई विल अप्लाई इट ऑन माय आईज एंड यू गाइस विल सी हाउ इट ब्रेक्स डाउन माय मेकअप। लिप्स पे लगाने के बाद आई गिव इट टाइम टू यू नो ब्रेक द लिपस्टिक डाउन। ऐसे ही मैं स्लोली अपने फेस के एक पार्ट पे लगाती हूँ ताकि बाकी के पार्ट को टाइम मिल जाए कि वो मेकअप ब्रेक डाउन कर सके। दिस इज द वन क्लेंजर विच आई कैन यूज ऑल ओवर माई फेस, ऑन माई आईज, ऑन माई लिप्स, एवरीवेयर। नेक्स्ट आई बी कीपिंग माई आईज क्लोज्ड। नेक्स्ट आई बी टेकिंग वाइप, दिस वन इज बाई बॉडी शॉप। I hope you guys can see. I cannot see. So I'll be picking one out of the container and I'll just start wiping my face.
एंड दैट्स इट. यू गाइस कैन सी कि ये मेरा मेकअप क्लेंजर, मेकअप रिमूवर. इट रिमूव्स एवरीथिंग फ्रॉम वाटर प्रूफ मस्कारा टू अ लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक. इट रिमूव्स एवरीथिंग कम्प्लीटली. आई जस्ट गो एंड वॉश माई फेस विद सोप एज आई रियली डोंट लाइक द फीलिंग ऑफ ऑयल ओवर माई फेस. सो आई जस्ट आई बी राइट बैक. Okay, so I have washed my face and I use this Estee Lauder Nutritious Radiant, whatever, Radiant Vitality 2-in-1 Foam Cleanser. I'm almost out of it. I have to get a new one and I have ordered a new one from Sephora. One of my cousin has gone to USA and I have placed a huge Sephora order from there. And he is coming this month. Like he'll be coming in first week of July, so I will be having my products with me very soon and I will be doing a haul for you guys. If you guys are interested, then please give this video a thumbs up and I'll do the haul for you. So that is it. Anyways, so this is my cleaned face. I washed my face with that Estee Lauder foam cleanser and I have applied some lip balm to my lips. Jaisa ki aap logon ne dekha ki ye cleanser bahut acha kaam karta hai. Ye एवरीथिंग वाटर प्रूफ मेकअप को भी ये बहुत हद तक क्लीन कर देता है और जो नहीं क्लीन कर पाता वो मैं अपने सेकेंड वॉश में क्लीन कर देती हूँ. एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. ओके सो आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल डाउन बिलो. आई एम सेइंग दैट अ लॉट. आई डोंट नो व्हाई बट दैट्स इट. आई सी यू गाइज लेटर. बाय.